हेलो एंड वेलकम टू यूटोपिया ऑफ लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड एग्जामिनेशन में हम इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें। तो कुछ ही दिन बाकी हैं, 10 दिन, उसका रिवीजन कैसे करें, या फिर जिनको कुछ भी नहीं आता। तो आज हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, जिनको यूपी बीएड एग्जामिनेशन के बारे में कुछ पता नहीं है तो वो जाएँ और इससे पहले एक और वीडियो है उसको देख लें। फिर मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी का भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। तो आज हम इंग्लिश को देखेंगे कि जिनको बिल्कुल इंग्लिश के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन्होंने खाली अपनी एजुकेशन इंग्लिश के थ्रू की है और प्रिपरेशन नहीं है उनकी, तो वो क्या करें। क्योंकि जो नॉर्मल हम स्कूल्स में पढ़ते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट हो जाता है जब हम एग्जामिनेशन में ग्रामर को लगाते हैं या फिर जो ग्रामर हम स्टडी करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ऑन पॉइंट होती है। सेकेंडली, जिन बच्चों को हाफ वे थ्रू वो प्रिपेयर कर चुके हैं बट उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि जब वो मॉक टेस्ट लगाते हैं, इंग्लिश की कोई टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, तो उनको जो है कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। और थर्डली, वो लोग जो कि पहले से गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश में, बट देन ऑल्सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो हमें ध्यान में रखनी है एग्जामिनेशन में जाने से पहले। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले जिनको कुछ नहीं आ रहा है समझ में, तो वो क्या करें। एक बुक है, बुक ऑफ कॉमन एरर्स करके, आप उसको लीजिए और उसके हर चैप्टर के 10-15 क्वेश्चन लगा लीजिए। वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद जब वो लग जाए, क्योंकि यू हैव 10 डेज आराम से, 1-2 दिन का अगर ऊपर नीचे हो जाता है, नहीं याद मन करता है पढ़ने का, तब भी यू हैव 10 डेज इनफ। आप उसको पढ़िए, सारे रूल्स देख लीजिए जो बेसिक रूल्स हैं। देन उस बुक में क्या है कि हर एग्ज़ाम के लिए आपका जो है पेपर दिया हुआ है, हर एग्ज़ाम, SSC, बैंक, PO, CDS, FCAT, एवरीथिंग। तो आपको क्या करना है, उसमें से हर चैप्टर में से लास्ट, जैसे आपका 5 इयर्स के हैं या 2 इयर्स के या 2019-20 के हैं, तो दो दो पेपर करके खाली इंग्लिश के। आप CDS के बहुत ज़्यादा ना लगाइए, क्योंकि CDS के तो 100 क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत वैसे ही लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप रूल्स याद रखिए, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं इंग्लिश में वो याद रखिए, और थर्डली कौन सी चीज़ कहाँ पर लगी होती है, जैसे कहाँ प्रोनाउन है, कहाँ नाउन है, कहाँ एडजेक्टिव लगा है, कहाँ पर हमने जो है और कोई और रूल लगा दिया, बिकॉज़ वाला, या फिर एंड एंड बिकॉज़ के साथ क्या यूज़ होगा, और यूज़ होगा कि एंड यूज़ होगा। तो इन सब तरीके की चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। सिंपली इंग्लिश इज़ नॉट टफ, बस क्या करना है, आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। सेकेंडली, जो हाफ वे थ्रू द प्रिपरेशन पहुँच चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। सेकेंडली, पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं आएगा कि आप जो है उसको कर ना पाएँ, बट ये ध्यान रखना है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। तो इवन दो जो बच्चे 50 में 50 करके आ रहे हैं, उन वो 20 क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं, तो वो बेकार चीज़ है। तो आपको अपनी एक्यूरेसी बहुत अच्छे से मेनटेन करके रखनी है। अगर आप 35 क्वेश्चन करते हैं तो 32 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। और जो हाफ वे थ्रू द प्रिपरेशन आ चुके हैं, वो अपना रिवीजन ज़रूर स्टार्ट कर दें। मतलब रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं होना है। आप सोचें कि आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर ले जाएंगे, उसके बाद बैठ के रिवाइज करेंगे, तो नहीं होगा। आप अपना सिलेबस को अगर 1 घंटा देते हैं तो उसको 45 मिनट्स दीजिए, और अपना जो भी आपका प्रिपरेशन हो चुकी है उसको 15 मिनट्स दीजिए, उसमें क्वेश्चंस लगाइए और प्रिपेयर करिए। थर्डली, उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं जिनको लगता है उनको सब आ चुका है इंग्लिश में, तो ऐसा कभी नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो आप क्या करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, छोटे छोटे टेस्ट सीरीज दीजिए, किसी भी एग्ज़ाम का ले लीजिए, क्योंकि इंग्लिश तो हर जगह सेम है, थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड होती है, कहीं कम एडवांस्ड होती है, बट है तो इंग्लिश ही। तो आप उसको प्रिपेयर करिए। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जाने से क्या होता है कि आप सोचते हैं आपको सब आता है, फिर जब वहाँ पर आ नहीं रहा होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है, गिर जाता है, समझ नहीं आता अब क्या करें। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आराम से पढ़ के जाइए। अगर वहाँ सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो एक रीडिंग लगाइए, फिर देन अगेन आप रिटर्न होके आइए, दोबारा एक रीडिंग लगाइए, क्योंकि टाइम बहुत होगा आपके पास, इंग्लिश है तो ईज़िली हो जाएगी, टाइम टेकिंग तो होती नहीं है इंग्लिश। तो आप आराम से अपने दिमाग को कूल करके थोड़ा पानी लेके जाइए। पानी तो बिल्कुल हमेशा लेके जाइए, एग्जामिनेशन से पहले आप अपनी बॉटल को फ्रिज में रखिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट ही बॉटल ले जानी पड़ेगी,
आराम से ठंडा ठंडा पानी रखिए अपने पास, पीजिए उसको, अपने दिमाग को शांत रखिए, तब एग्जामिनेशन दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप जो लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग यूपी बीएड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आई होप यू गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।